हेलो स्टूडेंट्स सो लेट्स बिगिन विथ क्रिएटिंग अ न्यू वेब पेज तो उसके लिए हमको दो चीज़ चाहिए क्या ना एक नोट पैड चाहिए और एक वेब ब्राउज़र चाहिए है ना सो नोट पैड कैसे हम लोग लाएंगे ना सबसे पहले यहाँ अगर तुम तुमको नहीं पता कि नोट नोट पैड को कैसे ओपन करना है गो टू द सर्च ऑप्शन देयर यू टाइप नोट पैड ठीक है सी ऐसा ऐप खुल जाएगा सो so बार बार ऐसे टाइप करने से अच्छा है कि हम लोग एक बारी उसको टास्क बार में पिन कर देंगे कैसे करेंगे राइट क्लिक करोगे नोट पैड के ऊपर राइट क्लिक यू विल गेट अ ऑप्शन पिन तो that, पिन टू तो टू टास्क टास्क बार बार क्लिक ऑन दैट एंड देन यू जस्ट क्लोज इट ओके सी ऑटोमेटिकली दिस आईकॉन दिस पर्टिकुलर जो बुक जैसा ब्लू वाला दिख रहा है दिस आइकॉन इट स्टैंड फॉर नोट पैड सो वो ऑटोमेटिकली टास्क बार में आ जाता है सो जस्ट क्लिक ओवर ओवी सी ऑटोमेटिकली द टास्क बार गेट्स ओपन विच इज अन मीन्स अभी तक ये नोटपैड में ओपन नोटपैड ओपन हुआ है बट ये सेव्ड नहीं है सो य वी विल राइट द कोड विच कोड द कोड आई शोड इट य इन द पेपर ओके तो यहां पर वो लिखा जाता है कैसे लिखेंगे सी एच टी एम एल क्लोज ओपनिंग और एक साथ क्लोजिंग लिखेंगे ताकि गलत होने का चांस नहीं है ओके okay. सो so, इसके अंदर एक दो पार्ट आता है एक है हेड तो उसका भी क्लोजिंग पार्ट रहेगा हेड फिर हेड के बाद एक आता है बॉडी दो ही पार्ट में डिवाइड होता है ना एक पेज का दो ही पार्ट में डिवाइड होता है दैट इज हेड एंड बॉडी और हेड के अंदर हम लोग का क्या रहता है टाइटल ठीक है तो अब मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर तुम लोग को दिखाती हूँ कि कैसे दिखता है बाय द वे ये तुम्हारा हेड और बॉडी हो गया तो यहां से देखने को क्या पता चल रहा है ना एक एच का बॉडी रहता है उसके अंदर दिस एंटायर डॉक्यूमेंट इट्स डिवाइड्स इंट टू दैट इज़ इज़ वन वन हेड एंड इज़ बॉडी वन मोर थिंग हम लोग के पास हेड के साथ और एक भी चीज रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल नाउ ये भी क्लोजिंग टैग के साथ रहेगा नाउ स्टूडेंट सी अब टाइटल के अंदर जो भी लिखोगे टेक्स्ट सॉरी मैंने इन टैग्स दीज आर द टैग्स लेट मी टेल यू इन ब्रीफ दैट व्हाट आर दीज सो वॉट एवर इज रिटन इनसाइड दिस एंगुलर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज अ टैग सो हाउ मेनी टैग्स टिल नाउ आई हैड वेरी गुड फोर टैग्स व्हाट आर दे एच एम एल टैग हेड टैग बॉडी टैग टाइटल टैग ओके सो ऑल दीज टैग्स हैव टू Uh, you know um, uh, variation that is opening and closing tag. ठीक है? Opening tag में uh, forward slash नहीं रहता है, closing tag में forward slash होता है. Okay? Every opening tag has its own corresponding closing tag. Okay? उसको बंद करने का भी एक तरीका है. जो इनर पहले खुला होगा इनर टैग को सबसे पहले क्लोज करना है फिर जाके आउटर टैग को क्लोज करना है सो विच वन इज द आउटर टैग एच टी एम एल इज द आउटर टैग नोटिस करना पूरे लास्ट में जाके आउटर टैग क्लोज हुआ है ओके सो इनर टैग को पहले क्लोज करेंगे फिर आउटर टैग को बाद में क्लोज करेंगे नाउ हियर आई वांट टू शो यू समथिंग तो एक चीज यहां पे ध्यान देना एक होता है दो पार्ट होता है एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इज ऑफ टू टाइप्स दैट इज हेड एंड बॉडी सो हेड के अंदर और एक रहता है टाइटल टाइटल को वी शुड ऑलवेज राइट इन साइड द टाइटल टैग और बॉडी में जो कुछ भी तुम लोग प्रिंट कराना चाहते हो यू शुड ऑलवेज राइट इट इन साइड द बॉडी टैग नाउ लेट मी शो यू दी तक मैं कुछ लिखी नहीं हूं तो यहां पर जस्ट आई एम राइटिंग टाइटल ऑफ द वेब पेज ओके सो दिस इज द टेक्स्ट विच यू वॉन्ट टू प्रिंट इन द वेब पेज टैग्स वेब पेज में नहीं प्रिंट होते हैं ऑलवेज रिमेंबर ये जो टैग्स है ना एंगुलर ब्रैकेट में है वो कभी भी वेब पेज में नहीं प्रिंट होते हैं ओके प्रिंट फिर क्या होता है टैग्स के अंदर जो तुम लोग टेक्स्ट लिखोगे इट विल गेट प्रिंटेड ऑन द वेब पेज ओके सो मैंने टाइटल टैग के अंदर टेक्स्ट क्या लिखा है टाइटल ऑफ द वेब पेज तो अभी मेरा प्रिंट एक्चुअली में वेब पेज में क्या दिखाएगा टाइटल ऑफ द वेब पेज ठीक है सिमिलरली बॉडी और बॉडी टैग के बीच जो लिखोगे वो तुम्हारा प्रिंट होगा कहाँ बॉडी ऑफ द वेब पेज में सो आई एम जस्ट राइटिंग बॉडी ऑफ द वेब पेज अ वेरी वेरी सॉरी यू नो बेसिक वेब पेज जो हम लोग का दिखेगा तो अब मैंने टैग लिख दिया है ऑलमोस्ट मेरा टैग खत्म हो गया ठीक है वैराइटीज हम लोग बाद में देखेंगे सो so, यहां पे हम लोग सबसे शुरुआत में बेसिक देखते हैं फिर फाइल में जाओगे सेवास करोगे so, एक काम करते हैं इसको जब भी हम लोग सेव करेंगे डेस्कटॉप में सेव करेंगे ओके ताकि तुरंत हमको मिल जाए ज्यादा ढूंढना नहीं पड़े फाइल नेम में जाओगे हटा दो फाइल नेम सपोज आई वॉन्ट टू राइट फर्स्ट ठीक है डॉट याद रखना बाय डिफॉल्ट टीएक् फॉर्मेट में लेता है सेव करने टी फॉर्मेट में सेव करोगे तो नोटपैड के फॉर्मेट में सेव होगा बट वी वॉन्ट टू सी द वेब पेज कैसे करेंगे डॉट एच टी एम एल लिखेंगे एक्सप्लिसिटली मीन्स फोर्सफुली यू हैव टू राइट फर्स्ट लिख के अगर सेव कर दोगे तो नोटपैड के फॉर्मेट में सेव होगा ओके okay, मैं वो भी करके दिखाऊंगी बट हियर आई वॉन्ट टू सी द वेब पेज सो वेब पेज में अगर इफ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस कोडिंग इन टू वेब पेज देन यू हैव टू मैंशन डॉट एच टी एम एल दैट इज दी यानी कि फोर्सफुली तुमको लिखना पड़ेगा सेव करो सेव हो गया अब मैं इसको मिनिमाइज करती हूं सी सो देखो डेस्कटॉप में एक क्या खुल गया फर्स्ट डॉट एच टी एम एल नाम का एक वेब पेज खुल गया सो जस्ट क्लिक ऑन इट देखो वेब पेज खुल गया सो so, ये कैसे ओपन हुआ बाय डिफॉल्ट मेरा गूगल क्रोम से ओपन हुआ देखो ये गूगल क्रोम का ही साइन है ना सो दिस इज अ एक वेब पेज है विच यूजिंग वेब ब्राउजर गूगल क्रोम आई वांट टू व्यू इट एज आई सेड फॉर राइटिंग द कोड ऑफ एच वी यूज नोट पैड एज द एडिटर टू व्यू द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वी यूज द वेब ब्राउजर ओके सो वेब ब्राउजर आई एम यूजिंग गूगल क्रोम ओके okay? सो so, ये ऑटोमेटिकली मेरा गूगल क्रोम के फॉर्मेट में ले लिया है। जो भी वेब ब्राउजर तुम लोग यूज कर रहे होगा ना उसी फॉर्मेट में लेगा सो ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू सेव इन डॉट एचटीएमएल फॉर्मेट ओके सो ये ओपन हुआ था सी दिस इज अ वेब पेज कुछ नहीं ये एकदम बेसिक सा वेब पेज है यहां हम लोग कुछ भी काम नहीं किए हैं इसीलिए केवल टाइटल एंड बॉडी दिखा रहा है सो so, यहां पे देखो टाइटल ऑफ द वेब पेज याद आ रहा है कि तुम लोग टाइटल ऑफ द वेब पेज में क्या लिखे थे सी यहाँ लिखे थे ना टाइटल ऑफ द वेब पेज जो टेक्स्ट तुम लोग प्रिंट कराना चाहते हो उसको ये टाइटल टैग के अंदर लिखे थे तो वही टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हुआ है ना टाइटल ऑफ द वेब पेज सिमिलरली बॉडी में तुम लोग क्या टाइप कराना चाह रहे थे बॉडी ऑफ द वेब पेज है ना मैं सिंपल से लिखी थी बॉडी ऑफ द वेब पेज सो यहाँ पे टाइप हो गया देखो इस वेब पेज में बॉडी में आके टाइप हुआ है बॉडी ऑफ द वेब पेज हुआ ना सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स इन अ वेब पेज दिस इज द टाइटल पार्ट अगर यहां जो भी प्रिंट कराना है उसको टाइटल टैग के अंदर रखोगे एंड ऑलवेज रिमेंबर टाइटल टैग ऑलवेज रिसाइड्स इनसाइड द हेड टैग ओके सिमिलरली इफ यू वांट टू यू नो शो यूर क्रिएटिविटी इन द बॉडी ऑफ द वेब पेज सो बॉडी टैग के अंदर जो लिखोगे यहां पर बॉडी में वो शो करेगा ओके सो लाइक दिस यू नीड टू शो नाउ सपोज स्टूडेंट्स मैंने ये नोट पैड को क्लोज कर दिया ओके अब मैं मिनिमाइज करती हूँ या फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ देखो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रही हूँ अब वो वेब पेज मेरा क्लोज हो गया ओके अब ये तो वेब पेज मेरे पास है लेकिन वो नोट पैड कहाँ है जहाँ मैं एडिटिंग कर रही थी वो तो नोट पैड को मैंने सेव ही नहीं किया अगर मुझे वो नोट पैड एडिटर चाहिए तो मैंने तो गलती से उसको सेव ही नहीं किया तो कोई डरने की बात नहीं है बड़ा ही सिंपल है क्लिक ऑन द वेब पेज वो वेब पेज एग्जैक्टली खुल गया टाइटल ऑफ द वेब पेज एंड बॉडी ऑफ द वेब पेज सपोज तुम लोग कुछ बनाए हो लेकिन वो जो एडिटर नोट पैड में लिखे थे तुम लोग उसको सेव करना भूल गए दो तरीके से सेव होता है स्टूडेंट्स अगर एच टी एम एल में सेव करोगे यू विल बी एबल टू सी द वेब पेज अगर फॉर्मेट में सेव करोगे यू विल बी एबल टू सी द नोटपैड लेकिन तुम लोग टीएक् फॉर्मेट में सेव ही नहीं किए हो दो बार ही सेव कर सकते हो टेक्स्टी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो HTML में तो करना ही करना है वेब पेज को देखने के लिए लेकिन गलती से तुम लोग भूल गए टेक्स्टी फॉर्मेट में सेव करना अब क्या करोगे कैसे लाओगे वेरी सिंपल राइट क्लिक व्यू सोर्स पेज पे क्लिक करना अरे वेट वेट नॉट दिस वन राइट क्लिक व्यू इंस्पेक्ट नहीं मैं गलती से इंस्पेक्ट पे क्लिक की थी व्यू सोर्स पे क्लिक करना देखो जो हम लोग नोट पैड में लिखे थे वो यहाँ आ गया ना वो उसी में तुमको उसी वेब ब्राउजर में ठीक है टाइटल ऑफ द वेब पेज दिखा रहा है देखो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल में जो भी टैग्स हम लोग यूज किए थे वो पूरा आ गया है यहाँ पे ठीक है तो इसको क्या करना है सिलेक्ट करना कंट्रोल सी करना एक ऐसे नोट पैड पर क्लिक करके एक अनटाइटल खुल गया यहाँ पे टैप करके कंट्रोल वी करना देखो जो हम लोग लिखे थे आ गया ना है ना कितना सिंपल कि अगर गलती से भी तुम लोग यू you नो know, भूल गए हो सेव uh, करना नोट पैड को तुम लोग अभी इसको दोबारा से सेव कर सकते हो लेट मी सेव इट सेव एज करेंगे एंड लेट मी गिव द यू नो लोकेशन एज डेस्कटॉप और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे फर्स्ट डॉट टी अब मैं फॉर्मेट में सेव कर रही से ठीक है अब मैं क्लोज करके दोनों चीज को मैं दिखा रही हूँ देखो फर्स्ट डॉट एच डी एम एल क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी द वेब पेज थ्रू गूगल क्रोम सो टाइटल ऑफ द वेब पेज बॉडी ऑफ द वेब पेज जो लिखे थे वही आ रहा है अगर फर्स्ट डॉट टी एक्स टी फॉर्मेट यानी कि नोटपैड जहां तुम लोग टैग लिख रहे थे वो एडिटर खुल जाएगा दिस इज द एडिटर वेल यू विल एडिट द वेब पेज जो यहाँ तुम लोग वैरायटी और वेरिएशंस करोगे जो भी वैरायटी पे तुम लोग दिखाओगे शो करोगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा ओके सो दिस इज द वीडियो हाउ टू क्रिएट अ वेब पेज ओके स्टूडेंट्स चलो थैंक यू एवरी